बीमारियों पर कैसे अंकुश लगे जब गली मोहल्लों के रास्तों में कीचड़ और जलभराव है। भानेगांव शहर के वार्ड नंबर 4 श्याम बाबा मंदिर के पास यहां सड़क को बिना लेबलिंग के ही बना दिया गया है। ऐसे में गंदा पानी सड़क के एक साइड में ही ठहर जाता है। जलभराव से बने दलदल में से होकर निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार यहां सड़क को बिना लेवलिंग के ही बना दिया गया है। ऐसे में गंदा पानी सड़क के एक साइड में ही ठहर जाता है। ढलान व मार्ग की ऊंचाई होने पर पानी रास्ते में एक फुट तक जमा हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां 24 घंटे पानी भरा रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। आपको बता दें कि घरों के बाहर तक गंदा पानी जमा हो जाता है। गली से आने जाने में भी लोगों को परेशानी होती है। माहौल गंदा और बदबूदार है और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते। बरसात में ज्यादा दिक्कतें और बरसात के समय इससे ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाती हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक गंदे पानी से निकलकर जाना पड़ रहा है। नतीजा सड़क किनारे भी कीचड़ निर्माण होने से इसमें कई लोग गिरकर घायल हो रही हैं। सिल्लेवाड़ा से संवाददाता मयूर तिरपुड़े की रिपोर्ट। बरसात में हर बरसात में यही प्रॉब्लम है यहाँ। अच्छा। और रोज भी प्रॉब्लम ही होती है यहाँ। ये पूरा पानी उतार होने से पूरा खड्डे में पानी जमा हो जाता है। माता रबाया था दिवसी दोन अड़कले को संग ग्राम पंचायत झोपले का करून राहिले। म्हणजे लेकर ट्यूशन ने जात तर त्याची भी काही फिकर नाही। ते पोरं एवढ्यांना बॅग राहते, सकाळची शाळा राहते, सायकल ऐकून जात नाही, मग का करावं।